सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो दोस्तों, कल जिस तरीके से मैंने वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था आपको कि जो क्लर्क कैशियर जो सेलेक्ट हुए हैं उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक में, उन लोगों को मेल आना स्टार्ट हो गए हैं ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग, और उनको इवन पोस्टिंग के बारे में भी आइडिया दे दिया गया है। वैसे ही दोस्तों, SBM और JBM दोनों को जो है वो मेल आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब आप प्लीज़ अपने मेल चेक करिए, जो भी बच्चे JBM में सेलेक्ट हुए हैं, जो भी बच्चे SBM में सेलेक्ट हुए हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में, आप लोग ये देखिए, आप लोगों को भी मेल आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब अगर मैं बात बताऊं दोस्तों, कल मैंने जो आपको एक बताया था कि उसकी सैलरी के बारे में, जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में जो क्लर्क कैशियर वाली पोस्ट है, उसमें जो उनको मेल आया था उसमें साफ साफ ये बता रखा था दैट दे विल बी गेटिंग अ बेसिक पे ऑफ दिस एंड दिस। बट इस वाले केस में जो मैंने SBM का देखा और जो मैंने JBM का देखा, उसमें ये चीज फिलहाल मेंशन नहीं है कि उनकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होने वाली है, उनके डॉक्यूमेंट वगैरह, उनकी गारंटी फीस वगैरह, ये सारी चीजें उन्होंने डिस्कस कर रखी हैं उसमें। बट उसमें अभी ये मेंशन नहीं करा गया है कि आखिरकार उनको सैलरी कितने मिलने वाली है। तो दोस्तों, अभी इन दोनों की सैलरी के बारे में फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। बाकी मैं पता करने की कोशिश करूंगा कि इनको जो स्टार्टिंग सैलरी है वो लगभग कितने मिलने वाली है। उन लोगों के भी ज्वाइनिंग के मेल्स आने स्टार्ट हो गए हैं 15 दिन के अंदर, उन्होंने उनको अलग अलग जगहों पे बुलाया है, कुछ लोगों को देहरादून बुलाया है एंड ऑल। तो लेट्स सी दोस्तों, आगे क्या रहता है, कैसा रहता है। कोई भी फर्दर अपडेट होती है तो मैं डेफिनेटली उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।